हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। कल हम रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके दो पार्ट हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर वो होती हैं जिनके दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी रिपीटिंग, जिसके दशमलव प्रसार या तो शांत आवृत्ति के होंगे या फिर अशांत आवृत्ति के, जिसमें एक अंक बार बार रिपीट होगा। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं 6.25, यह भी एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार दो अंकों के बाद शांत हो जाता है यानी टर्मिनेट हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसमें एक ही अंक रिपीट होता है, जैसे इसमें 3 बार बार रिपीट होता है, या हम इसको बोल सकते हैं किसी और उदाहरण के द्वारा 9 बार बार रिपीट होता है। ये है तो परिमेय संख्या, लेकिन इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बोल लो या फिर रिपीटिंग बोल लो। कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं कि हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। 0.33 के ऊपर बार इसको हमने पढ़ा था। जितने भी ऊपर बार होते हैं उतने ही नीचे 9 होते हैं, यानी 1/3 लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या हमारी रैशनल नंबर होगी यानी परिमेय संख्या होती है। जिस रियल नंबर का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग भी बोल सकते हो आप इसको और रिपीटिंग भी बोल सकते हो, यानी अनवसानी आवृत्ति का होता है जिसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होता, जैसे 1.0.12 3 1 3 4 5 8 9, इस प्रकार और अनंत तक चलती है। यानी वो संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं होता और ना ही इसमें शेषफल 0 बचता है, तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब हम जब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हम कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं, तो हम कल पढ़ चुके हैं उसको, और आगे हम पढ़ते हैं फिर एडिशन करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइजर, ऐसा कुछ सीखते हैं। तो आज हम जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा डिवाइजर कैसे किया जाता है या फिर विभाजन कैसे किया जाता है। तो आज हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे यानी विभाजकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं अपने पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 6। 6 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 6 और माइनस करेंगे, रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा 0। अब मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास है 2 से डिवाइड करना हमने 7 को, तो 2 3 6 इसको जब हम माइनस करते हैं तो शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है 1। मान लेते हैं 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 4 8 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है।
यानी जब भी किसी संख्या को हम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो अपना रिमाइंडर यानी शेषफल या तो 0 बचता है या फिर 1 बचता है, फिर 0 बचता है, फिर आगे हम 9 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी जब हम 2 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो अपना शेषफल यानी रिमाइंडर या तो 0 बचता है या फिर 1 बचता है, यानी 2 से छोटा बचेगा। अब मान लेते हैं कोई और नंबर ले ले बड़ा, मान लेते हैं हम 3 से डिवाइड करेंगे किसी संख्या को, मान लेते हैं यहाँ पर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 तिया 9 माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 0। कोई भी नंबर लें, मान लेते हैं 43 नंबर लिया, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3 माइनस करेंगे 4 3 यानी 1, 3 कैरी करेंगे तो 4 3 4 12 माइनस करेंगे 3 2 यानी 1 रिमाइंडर बचेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे 44 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 3 माइनस करेंगे 1 कैरी किया 4, 3 4 12 माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2। अब मान लेते हैं 45 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 3 माइनस किया 5 कैरी किया 3 5 15 माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा 0। यानी जब हम किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिमाइंडर बचता है 0 1 2, फिर से 0 बचेगा, फिर 2 बचेगा। यानी किसी भी नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा ही 3 से छोटा या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर बचता है, न कि 3 बचता है। चलो कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 16 को डिवाइड करना है 4 से तो 4 4 जा 16 माइनस किया रिमाइंडर बचेगा 0। 17 को डिवाइड करना है 4 से 4 4 जा 16 माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1। यदि हम 18 को डिवाइड करते हैं 4 से फिर 4 4 जा 16 रिमाइंडर बचेगा 2। 19 को हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 4 जा 16 माइनस करेंगे रिमाइंडर बचता है 3। 20 को डिवाइड करते हैं 4 से 4 4 जा 16 20 को डिवाइड करेंगे 4 से 4 5 जा 20 माइनस करेंगे रिमाइंडर बचता है 0। यानी जब हम किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर है अपने पास और हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा ही या तो 0 बचता है या फिर 1 बचता है या फिर 2 बचता है या फिर 3 बचता है, न कि 4 बचेगा। तो किसी भी नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से छोटे और 0 या 0 से बड़े शेषफल बचते हैं। ये बात आपको समझ आई होगी। तो हमने यहाँ पर एक बात देखी है कि जब भी हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 की और इस 4 की जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में रिमाइंडर ऐड करते हैं तो अपने पास ये 16 आंसर निकल के आता है, जिसे 4 4 × 4 प्लस 0, 16 + 0 यानी 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में 1 ऐड किया तो 17 बन के आता है। मान लेते हैं लेट
जो ये अंदर लिखा है ये है ए, और ये बाहर लिखा है ये है बी। तो कोई ना कोई यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, इसको लिखा जाता है क्यू, और यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा जाता है, फिर उसको माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर बचता है आर। बी को जब हम क्यू से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस में आर ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर ए की प्राप्ति होती है, हमें ए प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला भी बन जाता है और ये थ्योरम भी बन जाती है। यहाँ ए को हम बोलते हैं डिवाइडेंट, बी को हम बोलते हैं डिवाइजर, क्यू को हम बोलते हैं क्वोशेंट, और आर को हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी इसको बोला जाता है भाज्य, बी को बोला जाता है भाजक, क्वोशेंट को बोला जाता है भागफल, रिमाइंडर को बोला जाता है शेषफल। और यहाँ ए हमेशा ही बड़ा होगा बी से, और आर या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, और छोटा होगा हमेशा ही बी से। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है, और इसी थ्योरम को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर दो शब्द निकल के आते हैं, एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर ये दो वर्ड अपने पास आते हैं, एल्गोरिथम और लेमा। तो एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और लेमा के बारे में जानेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज है अच्छी तरह से विभाजित किए हुए स्टेपों की, विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जो किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर देती है। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम स्टेप हैं जो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीजर प्रदान करती है। तो एल्गोरिथम को हम क्या बोलेंगे? इट इज स्टेप्स हैं जो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीजर प्रदान करती है। तो लेमा शब्द का क्या मतलब है? लेमा इज प्रोन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रोन का मतलब क्या है? जो पहले से ही सिद्ध की हुई हो। तो वह स्टेटमेंट है, सिद्ध की हुई स्टेटमेंट है, जिसके द्वारा जो यूज्ड की जाती है फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जो दूसरी स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी यह वह थ्योरम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? थ्योरम लिखेंगे। यानी यह एक प्रकार की प्रमेय है। तो लेमा क्या है? सिद्ध की हुई प्रमेय है। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 3 की मल्टीप्लाई 14 से करते हैं और प्लस में 1 ऐड करते हैं, तो ये 43 निकल के आता है। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, प्लस 0 ऐड करेंगे तो 9 निकल के आता है। 3 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे और प्लस 2 ऐड करेंगे तो अपने पास 44 आंसर निकल के आता है। यानी यह एक थ्योरम है, यह एक लेमा है, जिसके द्वारा हम अन्य समस्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रश्नों को भी इसके माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है।
तो आइए, कक्षा 10th में हम प्रथम चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जानेंगे, ये क्या है। तो मान लेते हैं आपको दिए हुए हैं टू पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। कौन से इंटीजर हैं? वो पॉजिटिव इंटीजर हैं जहाँ पे ए बड़ा होगा बी से, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को वो सेटिस्फाई करेगा, और जहाँ पे आर हमेशा ही या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा, और हमेशा ही बी से लेस होगा। तो प्यारे बच्चों, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ चुके हैं, जो क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए ग्रेटर देन बी एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। बी क्या है? डिवाइजर। ए क्या है? डिवाइडेंट। और आर क्या है? अपना रिमाइंडर है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम क्या है? स्टेप है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप वन, इफ वी फाइंड रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, यदि हम ए को डिवाइड करते हैं बी से तो हम आर जीरो के बराबर प्राप्त करते हैं, देन अपना जो एच एफ होगा इक्वल टू बी होगा, जो अपना डिवाइजर है वही अपना एच एफ होगा। जैसे यदि हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 16 माइनस, तो रिमाइंडर अपना 0 प्राप्त होता है, यानी 4 और 16 का जो अपना एच एफ होगा, एच एफ किसका, 4 और 16 का, वो अपना 4 है। ठीक है, तो आगे यदि ये जो स्टेप टू, यदि इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देन वी टेक आर एज डिवाइजर एंड बी एज डिवाइडेंट। तो यदि अपने पास आर का मान जीरो नहीं आता तो हम क्या करते हैं, आर को हम भाजक के रूप में लेते हैं और बी को हम डिवाइडेंट यानी भाज्य के रूप में लेते हैं, इफ यहाँ रिमाइंडर जीरो बचता है, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, देन जो पहले स्टेप में अपना आर था वही आपका एच एफ होगा, वही हमारा क्या होगा, एच एफ होगा। यदि यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं बचता तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है उसी को हम किसके रूप में लेते हैं, डिवाइजर के रूप में लेते हैं, और जो अपना इस दूसरे स्टेप में डिवाइडेंट था उसको हम क्या करते हैं, फिर आगे इसी प्रकार ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक शेषफल जीरो नहीं बचता। तो जिस स्टेप में चलकर रिमाइंडर जीरो बचता है उसमें ही अपना बी यानी डिवाइजर अपना एच एफ होता है, जहां आर इक्वल टू जीरो वहीं अपना एच एफ किसके बराबर होता है, डिवाइजर के बराबर होता है। यानी जिस स्टेप में डिवाइजर और आर और अपना क्या होता है, डिवाइडेंट होता है, जहां आर बराबर जीरो है वहीं पर डिवाइजर अपना एच एफ होता है।
तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचएफ ऑफ गिवन नंबर्स। दिए गए संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचएफ ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है अपने पास 135 और 225। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 1, 135 और 225। हेयर ए इक्वल टू 225 एंड बी इक्वल टू 135। ए बड़ा है किससे? बी से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बी को हम अंदर लिखते हैं, यानी 225 और यहाँ पे 135। अब 225 को हम 135 से डिवाइड करते हैं, तो 135 से कम 135, 135 दूनी 270, यानी 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 एकम 135, इसको हम माइनस करेंगे, 0 यहाँ पे, 9 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं बचता। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जो ये अपना आर है इसको हम बी के रूप में लेते हैं, और जो ये बी है इसको हम क्या करेंगे, ए के रूप में लेंगे, यानी डिवाइडेंड के रूप में। यानी अपना स्टेप 2 यहाँ से शुरू हो जाता है, बी को आर को हम बी के रूप में लेंगे और इस वाले बी को हम यहाँ ए के रूप में लेंगे, यानी यहाँ पे 135 आ जाएगा। तो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, जो 135 से अधिक होगा। तो 90 एकम 90 माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ 4, यहाँ पे भी शेषफल 0 नहीं बचता। तो थर्ड स्टेप अपना क्या है, 90 को यहाँ पे लेंगे तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 90 माइनस 90 यानी 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो अपना एचएफ क्या होगा, ये अपना एचएफ होगा यानी 45 होगा। किसका एचएफ, 135 और 225 का एचएफ। अब अपने लिखना कैसे है पेपर में इसको, ये आपका सारा टोटल वर्क रफ है, तो पेपर में कैसे लिखना है, यूज या लिख देंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमने क्या पढ़ा था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है यहाँ पे, ए अपने पास 225 है, तो 225 बराबर 135 की और 1 की गुणा करेंगे और प्लस 90 लिखेंगे, यानी 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 90। 135 एकम 135 प्लस 90 यानी 225 के बराबर होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, 90 एकम 90 प्लस 45, यह हो जाएगा 135, यानी 135 को हम किसके बराबर लिखेंगे। अब इस 135 को हम लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45, अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इस 90 को हम किसके रूप में लिखेंगे, यानी इसको हमने भूल जाना है ऊपर वाले को। तो 45 दूनी 90 प्लस 0, ये हो जाएगा अपना इक्वल टू 90, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना है, 0। हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन HCF इक्वल टू कितना होगा, ये वाला यहाँ पे HCF होगा यानी 45। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी HCF किसका, इसको लिखने का तरीका क्या है, HCF 135 और 225 का किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। तो 45 वो संख्या है जो 135 और 225 दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करती है।
एच सी एफ के बारे में जानते हैं क्या है। एच सी एफ को लिखेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर यानी गुणनखंड। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। यानी जब हम 135 को और 225 को 45 से भाग करेंगे तो अपना रिमाइंडर कितना बचेगा? जीरो बचता है। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? जीरो बचेगा। तो एच सी एफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से भाग कर दे। और इसी का एक और भाई है, वो है एलसीएम। एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब है गुणज, यानी जो पहाड़े में आता हो। वह छोटे से छोटा संख्या जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आए। तो एच सी एफ क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। जैसे दी गई संख्या आपके पास है, एक 16 है और एक 64 है। तो 16 और 64 दोनों से भाग होने वाली संख्या कौन सी है जो इनके पहाड़े में आई? जैसे मान लेते हैं 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 5 80 और इसी प्रकार ये 64 है। तो ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए वो है 64। तो 64 ही इन दोनों का क्या है? एलसीएम है। तो 16 और 64 का एलसीएम क्या होगा? 64 होगा। तो सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220। तो यहाँ पे 38,220 बड़ा है 196 से, तो 196 से डिवाइड करना है 38,220 को। तो 19 दूनी होता है 38, लेकिन दो पे चलाएंगे तो 2 6 12 और कैरी 1, 19 दूनी 38 और 1 39, जो 382 से बड़ा हो जाएगा, यानी इसको हम 1 पर ही कैरी करेंगे। तो 196 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ पे 7 माइनस 9, 7 माइनस 9, लेकिन 9 बड़ा है तो 17 माइनस 9 यानी 8, यहाँ पे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो 186 बचता है। लेकिन आगे भी तो 2 और 0 शेष बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 को यहाँ पे कैरी करेंगे, तो यहाँ पे 2 को कैरी करते हैं तो 1,862 बन जाता है। तो 1960 बनता है यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो हम लगभग इसी के पास आता है, यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 गुणा में 9, तो 196 की और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बनता है 1764। फिर इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 8 5, 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ पे बचता है 7 0, तो यहाँ पे 0 को कैरी करेंगे, तो यहाँ पे 0 कैरी करने के बाद यहाँ पे बचता है 980। तो यहाँ पे 6 है, 6 5 30 यानी 0 बनता है, तो 5 पे चलाएंगे, 5 6 30 और 19 5 95 और 3 98, तो इसको माइनस करते हैं, रिमाइंडर बचता है 0। तो आगे कोई और संख्या नहीं है तो अपने पास रिमाइंडर बचता है 0, और जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो अपना एच सी एफ क्या होगा? यहाँ पे जो भाजक लिखा है वो अपना एच सी एफ होगा, यानी 196 ही आपका क्या है? एच सी एफ। तो इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे लिखना है? तो हमने पढ़ा है 196 की गुणा इसके साथ, यानी 195 है यहाँ पे, 196 गुणा 195 और प्लस रिमाइंडर 0, तो ये किसके बराबर होता है?
इस कोशेंट सॉरी डिवाइडेंट के बराबर होता है, यानी 38,220। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना है, जीरो। सो एचसीएफ क्या होगा, 196 होगा, जो यहाँ पे किसका काम करता है, डिवाइजर का काम करता है। तो आपको ये समझ आया होगा, एक पार्ट शेष बचा है जो आप अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस करेंगे उसको, और उम्मीद करता हूँ वो आप अपने आप ही सॉल्व कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज 1 का यानी पार्ट 1 था, जो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई और क्वेश्चन भी लेकर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, जो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व करेंगे। और यह मेथड केवल एचसीएफ निकालने के लिए ही है, न कि इसका प्रयोग एलसीएम निकालने के लिए आप करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए दूसरा मेथड है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे। तो ये पार्ट 1 आप देखेंगे और क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।